हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे गोल्ड एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो लेट्स स्टार्ट विद द मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो कि गोल्ड जो है तो नीचे ट्रेड कर रहा है, लगभग 3.63% लॉस के साथ, लगभग 1900 रुपये नीचे ट्रेड कर रहे हैं यहाँ। लास्ट मंथ जो है तो हमने फ्लैट नेगेटिव क्लोजिंग देखी थी, लगभग 1% नीचे बंद हुए थे 412 पॉइंट के लॉस के साथ। यहाँ लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखोगे तो गोल्ड प्राइजेस धीरे धीरे उसका जो 20 मंथ का एवरेज है जो ये 47700 के अराउंड उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम 47700 के लेवल गोल्ड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर उसके नीचे जाते हैं तो आपको नीचे 42000 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ मुझे लगता है कि 2020 के लिए गोल्ड के सभी टारगेट अच्छे हो चुके हैं, और यहाँ से जो है तो आगे चल के हमें नीचे के ही लेवल गोल्ड में आते हुए दिखेंगे। तो यहाँ 47700 का लेवल वॉच करना चाहिए। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो 42000 और उसके नीचे के लेवल जो है तो वो बेटर रहेंगे। अगर आपको लॉन्गर टर्म होराइजन के हिसाब से आपको अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो 42000 और उसके नीचे के लेवल जो है तो वैल्यू बाय रहेंगे ऑन लॉन्गर टर्म चार्ट। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि लास्ट वीक जो है तो लगभग गोल्ड ने लगभग 3% का लॉस किया है। लगभग हम 1500 रुपये नीचे बंद हुए। उससे पहले हमने लगभग 0.8% का लॉस देखा था, 411 पॉइंट लॉस के साथ हम बंद हुए थे। ये जो है तो लगभग ये चौथा हफ्ता है गोल्ड के लिए जिसमें जो है तो गोल्ड प्राइसेस नीचे ही बंद हुई है, और यहाँ हम बढ़ रहे हैं लगभग 50 वीक का जो एवरेज है उसकी तरफ, जो है 49100 की तरफ। उसके नीचे जो है तो आपको डीपर करेक्शन देखने को मिलेगा गोल्ड में, और उसमें 47000 और उसके बाद में 42600 के लेवल भी गोल्ड दिखा सकता है। तो यहाँ क्लियरली हम करेक्टिव फेज में हैं, और जैसे ही हम पीओट के नीचे जाएंगे साल के लिए हम डाउन ट्रेंड में भी जा सकते हैं, और उसके बाद में हमें लोअर टॉप लोअर बॉटम का साइकिल वीकली और मंथली पीरियड पे देखने को मिलेगा। यहाँ जो है तो फिलहाल मुझे लगता है कि 49100 के लेवल जो है तो आने वाले हफ्ते में गोल्ड में दिख सकता है। ऊपर जो है तो 50500 तो उसके अराउंड आता है, तो आपको शॉर्ट करना चाहिए 50500-600 के अराउंड गोल्ड को शॉर्ट करना चाहिए, और आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 49100 का एज पर वीकली चार्ट। उसके नीचे जाता है तो आपको 47000 की भी लेवल देखने को मिल सकता है, और उसकी पॉसिबिलिटी मुझे ज़्यादा लग रही है जिस तरह से प्राइस पैटर्न अभी उभर रहा है। तो यहाँ क्लियरली लॉन्ग टर्म चार्ट पे टॉप बन चुका है। अभी यहाँ जो है तो बॉटम बनाने की कोशिश करेगा गोल्ड, और हम धीरे धीरे बॉटम की तरफ ही बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि बॉटम गोल्ड जो है तो 42000 के अराउंड जो है तो बनाते हुए दिखेगा ऑन लॉन्गर टर्म होराइजन। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हम जो है तो 20, 50, 100 सभी एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, और यहाँ जो है तो 49300 का जो लेवल है ये है इसका 200 डेज का एवरेज, तो उसके तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ क्लियरली सेल ऑन राइज भी हो रहेगा, आपको गोल्ड सेल करना है ऑन राइज, और नीचे जो है तो 49300 और 49100 के लेवल जो है तो एज अ टारगेट रहेंगे। ये जो 49100 का लेवल है ये आपको दिखेगा, ये लगभग ES3 जो है इस महीने का वो लेवल है, और मुझे लगता है कि उसके तरफ हम बढ़ेंगे। जैसे गोल्ड जो है तो 49000 के नीचे जाएगा, क्लिप करेगा, आपको जो है तो यहाँ अच्छे खासी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखेंगे, और हम एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में डाउन साइकिल में जाते हुए देखेंगे। तो यहाँ जो है तो अभी यहाँ आगे चल के ये दिक्कत आने वाली है कि सभी असेट आपको डाउन दिखेंगे, सिर्फ जो है तो कुछ कमोडिटी ड्यू टू न्यूज़ फ्लो और सप्लाई डिमांड कंसर्न आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। बाकी जो है तो इक्विटी डाउन रहेगा, गोल्ड डाउन रहेगा, करेंसी डाउन रहेंगी, तो उसकी वजह से बहुत सारे जो सिर्फ आपको जो है तो बॉन्ड में पैसे हुए बनते हुए देखेंगे, और जो सेफ असेट हैं या फिर गवर्नमेंट असेट हैं उसमें आपको पैसे हुए बनते दिखेंगे, और वो भी उसका जो रिटर्न रेट रहता है बहुत कम रहता है एज कम्पेयर टू अदर। तो यहाँ जो है तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर और ये बाकी चीज़ों की वजह से यहाँ, और यहाँ जो है तो गोल्ड में क्यों प्रॉफिट बुकिंग आता है, तो जहाँ अगर जो इन्वेस्टर इक्विटी मार्केट या दूसरे करेंसी मार्केट में मार्जिन कॉल की वजह से जो लॉसेस खाते हैं तो उनको सबसेट करने के लिए वो जो है तो अपनी गोल्ड की होल्डिंग जो है तो बेचते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ जो है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, और यहाँ प्राइजेस पे प्रेशर रह सकता है।
तो क्लियरली नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड पे बेरिश व्यू रहेगा, सेल ऑन प्राइस व्यू रहेगा। 50,500 के अराउंड, 600 के अराउंड आपको शॉर्ट जाना है। आपके जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 49,300, उसके बाद में 49,100 के, और 49,000 के नीचे गोल्ड जो है तो डाउन ट्रेंड में एंटर कर जाएगा, जिसके टारगेट उस सिनेरियो में आपके जो टारगेट बनेंगे अगले 2 से 3 महीने के लिए वो रहेंगे 47,000, और उसके बाद में जो है तो डीपर करेक्शन आता है, तो लॉन्गर टर्म में आपको 42,000 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं एट ईयर एंड। तो यहाँ क्लियरली मैंने जैसे कहा था कि ऊपर का टॉप बन चुका है, हमने ऊपर के सभी टारगेट लगभग गोल्ड ने इन्वेस्टर के लिए अचीव कर चुके हैं। जिन्होंने प्रॉफिट किया होगा वो अभी भी अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ बैठे होंगे। अगर आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया है, अगर नीचे बाइंग की है, तो मेरी सलाह रहेगी कि प्रॉफिट बुक कीजिए, या फिर जो है तो कम से कम एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर रखिए, क्योंकि आपकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल पोजीशन है वो कभी भी नेगेटिव में जा सकती है। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको हरदम रखना चाहिए, या ऑलरेडी सभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर चुके हैं। अगर आपके पास अभी भी प्रॉफिट है तो मेरी सलाह रहेगी कि इन्वेस्टर ने प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और नीचे के लेवल पे आने के बाद आपको जो है तो फिर से आप थोड़ा थोड़ा एक्युमुलेट कर सकते हो। 42,000 के लेवल पे जो ETF है वो एक बेस्ट बाय रहेगा अभी तो लॉन्ग टर्म होराइजन। अगर 42,000 के अराउंड गोल्ड आता है तो आपको ETF में एक अच्छी खासी लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करनी चाहिए, और उसके नीचे जो है तो SIP करना चाहिए। आपको जो है तो गोल्ड फिर से जैसे मैंने कहा है लॉन्गर टर्म में आपको 80-85,000 के लेवल जो है तो दिखा सकता है। करंटली मुझे लगता है कि हम डाउन ट्रेंड में एंटर करने वाले हैं। फिलहाल 49,000 का लेवल मुझे दिखाई देता है एज अ टारगेट, उसके नीचे अगर स्लिप करते हैं तो हम एक लॉन्गर टर्म डाउन ट्रेंड में जाएंगे, और जिसका टारगेट रहेगा अराउंड 42,000 या फिर उसके नीचे भी जा सकते हैं, मगर मिनिमम 42,000 का लेवल पकड़ के चलिए। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कमोडिटी कॉल चाहिए, प्रीमियम कमोडिटी कॉल विद लाइव मार्केट सपोर्ट और फॉलोअप, तो आप मेरी सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।